अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज हम लोग बाबा आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जानने जा रहे हैं। तो गाइस वीडियो काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पे बने रहें और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगम्बर थे जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिनों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा, अच्छा। कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, तुम बता दो इनको इन चीजों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, इब्लीस, शैतान, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया। शैतान तो खुद को अल्लाह मानता था ना, अल्लाह का। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मर्दूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं कसम काफी डरावना यार, शैतान हमेशा काफी डरावना रहता है। राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा जलीलो ख्वार, जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा, बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, ये देखो भाई, शैतान अपना काम करने लगा। दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ, और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मर्दूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गईं और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, समझ में आ रहा, मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पे रहम ना फरमाएंगे तो फिर हम तो अल्लाह रहम करने वाला है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ,
अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अब तुमको वही जिंदगी गुजारनी है और वही मरना है और वही फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे रहम करके उन्हें माफ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो, और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे, एक छोटी सी गलती के लिए 40 साल तक माफी मांगे, उसी में रहेंगे। बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे, उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान माशाल्लाह 900 साल जिंदा रहते। हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्जाम दिया। पर जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फौरन तौबा करी और तौबा तब तक माफी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राजी न कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, माबूद है, बड़ा मेहरबान है। तो ये था आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। आज का ये था आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन स्टोरी। तो गाइस आई होप आप लोगों को स्टोरी बहुत ही काफी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्ट लगा होगा, काफी नॉलेजेबल रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और नीचे और सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।